वेलकम टू ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। स्वागत है आपका टीचमेंट पे। दोस्तों, मेरा दो क्लासेस हो गया है, जिसमें पहले क्लास में हमने शेड्यूल की बात की है कि आपका क्लासेस का क्या क्या टाइमिंग होगा, क्या क्या शेड्यूल होगा, जो इसमें रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको आप देख सकते हैं। और दूसरा क्लासेस हमारा टीचमेंट का यूज पे था, और कुछ किताबें कहाँ से आप पढ़ेंगे अगर आपका पास किताब अवेलेबल नहीं है उस पे, और जिसमें उसमें हमने लूसेंट की बात की थी और एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी को कैसे कहाँ से पढ़ेंगे और लूसेंट को कैसे आप यूज करेंगे, इन सब बातों पे चर्चा हमारी हुई थी। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का कारण उस दिन मौसम गड़बड़ थी, तो शायद उन्होंने जो रिकॉर्डेड वीडियो जो दिया है उसमें ट्रीटमेंट, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप ट्रीटमेंट को कैसे यूज करेंगे। तो फिर से उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, क्योंकि अब वो दोबारा प्रोसेस हम कर नहीं सकते हैं, बट हम आपको सिंपली बता देते हैं उसमें करना क्या है। आपको प्ले स्टोर में जाके, पहला पॉइंट, प्ले स्टोर में आप जाएंगे, ट्रीटमेंट को डाउनलोड करेंगे। ट्रीटमेंट को डाउनलोड करने के बाद उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर के बाद आपको ओटीपी भरना पड़ेगा। ओटीपी के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं। अगर आप क्लासरूम ले रहे हैं तो आपको टीचर ऑप्शन देना होगा, बट आप तो पढ़ रहे हैं इसलिए आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट ऑप्शन डालना होगा। तो स्टूडेंट ऑप्शन को डाल के आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि मेल फीमेल आएगा उसमें, ज़्यादा नहीं, बस मेल फीमेल जो आपका ऑप्शन है वो डाल देंगे। इसके बाद लास्ट टाइम उसमें आईडी पूछता है क्लासरूम का, आपका आईडी क्या है। तो आईडी हमने शेयर किया है, उसमें हमने आईडी की चर्चा की है। तो आप आईडी को क्या कर सकते हैं, आईडी जो है आप उसमें डाल के आराम से जो है आप क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आईडी डालने के बाद उसमें क्या होगा, नोटिफिकेशन मेरे पास आता है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपने आप जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। मेरा आईडी फिर से एक बार बता देते हैं, आपको मैसेज के थ्रू मिल ही जाएगा, फिर भी अगर आप आईडी वैसे लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, जैसे 6868996646, मतलब 6868699646। ये मेरा आईडी है, उसको जैसे ही आप डालेंगे इनरोलमेंट का रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा। हम इनरोल, जैसे ही आप इनरोल हो जाते हैं फिर आप सारा उसका फैसिलिटी को कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, इसका शेड्यूल हमने बताया है, तो उसका लाइव क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, आप उस पर टेस्ट दे सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो आप जैसे ही खोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे आपका यूज करना है, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे आप खुद पता चल जाएगा। जैसे ही आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, आपको उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आपको सारा उसमें पता चलते जाए। तो उसमें शेड्यूल में थोड़ी सी चेंज हम ये कर रहे हैं कि जैसे 2 बजे से मेरा टाइमिंग था आपका लूसेंट का, तो उसमें थोड़ा सा प्लान ये किया हम कि पहले आपको हम पढ़ा देंगे, फिर लास्ट टाइम उसमें से लूसेंट में बता देंगे, यानी 2 बजे से आपका पॉलिटी का रहेगा। इसके बाद लास्ट जो आधा, यानी 2 से 3, और 3 बजे के बाद आधा घंटा, 3 से 3:30 के सेक्शन में हम क्या करेंगे, उसमें हम वही जिस पार्ट को हमने एनसीईआरटी से पढ़ा है उस पार्ट को लूसेंट से लेके फिर आपको हम होमवर्क दे देंगे दोनों से। तो ये अच्छा है, इसलिए इस तरह से बस थोड़ा सा चेंजिंग आया है टाइम का, तो इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को थोड़ा समझ लेंगे, इसलिए आप डेली कनेक्टेड रहेंगे। तो आपको थोड़ी सी अगर चेंजिंग होती है पैटर्न में, तो आपका उसका नोटिफिकेशन, उसका खबर मिलता रहेगा। तो ठीक है, चलते हैं आज के क्लासेस पे। जो आज का क्लास है, जैसा कि हमने आपको वादा किया है कि हमने 2 चैप्टर का क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, पहले में मेरा क्लास चल रहा था, तो 2 दिनों में, यानी आज फ्राइडे और सैटरडे में हम कोशिश करेंगे उसको एक बार क्विक रिवीजन, कि थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी नहीं हो, क्विक रिवीजन करवा के हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने चैप्टर को, एनसीईआरटी वाले चैप्टर को, या किस तरह से पढ़ाना है उस तरह से उसमें आगे हम प्रोसीड हो जाएँ। तो पहले आपको हम, यानी आज और कल के लेक्चर में, वो पहले जो पढ़ा है हमने संविधान के संबंध में, और संविधान का जो संवैधानिक विकास है, और उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, मतलब सैद्धांत का क्या, सैद्धांतिक क्या अर्थ है, उसके संबंध में थोड़ी सी हम बात चर्चा करेंगे।
इसके बाद हम नए सिरे से मंडे से क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन के बाद ये इसलिए ये क्लासेस चला रहे हैं, रिवीजन के बाद आप रिकॉर्डेड लेक्चर, इसके बाद पुराने लेक्चर में आप जाके देखेंगे तो आपका सारा सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी कि क्या उसमें क्या है। एक लेक्चर छूट गया है, ठीक है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर में थोड़ी सी एक लेक्चर छूट गया है, उसमें लोड नहीं हो पाया था, बट बाकी सारे लेक्चर उसमें अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से सारे लेक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में उसमें समझाया गया। तो चलिए आज क्या है, आज का हमारा लेक्चर है संविधान पे। तो संविधान को कल जैसा कि हमने क्लास में बताया था, संविधान को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संविधान क्या चीज़ है और संविधान का क्या मतलब है और संविधान किसके लिए है और संविधान कैसे कैसे परिभाषित किया गया है। तो 1 मिनट आपको हम स्लाइड पे ले चलते हैं, स्लाइड लोड हो रहा है, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या है। ठीक है, देखिए हमारा है, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक है संविधान। पॉलिटिकल साइंस के हिंदू कहते हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग संविधान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़। इसमें देखिए हमने बुक का चर्चा किया था कि कौन कौन से बुक को हम ले रहे हैं, ठीक है, हमारा ये बुक एनसीईआरटी रेफरेंस बुक है, इसमें चैप्टर दिया हुआ है, आप बाद में पीडीएफ लोड किया हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, ये चैप्टर है पहला बुक में। दूसरा बुक हमारे पास ये है, ये पढ़ना होगा। इसके बाद तीसरा बुक आपका, तीसरा नहीं, तीसरा बुक ये हो गया, चौथा बुक ये हो गया, और पांचवा बुक ये आपका प्यारा लुसेंट है, और ये है आपका लक्ष्मीकांत। तो इसमें इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ी सी जानकारी जो बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम इससे ले लेंगे, ठीक है, आपके लुसेंट वाले सेक्शन, इस सेक्शन से, ठीक है। तो यही है इसमें, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये वाला आपका सेक्शन है और ये आपका लुसेंट है, तो इससे हम आपका होमवर्क दे देंगे, ठीक। अब क्या है, चलिए आगे है, संविधान क्या है, अब क्या है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि संविधान क्या है, तो संविधान क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, अब इसमें हम समझेंगे कि संविधान क्या है। पहला हमारा टॉपिक है संविधान क्या है, संविधान क्यों है, संविधान किसने बनाया और कैसे बना ये संविधान, ये संविधान के अंतर्गत तीन चार चार चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए संविधान को समझने के लिए हमारा प्यारा संविधान है, इस तरह से हमारा इसका जो है बुक का फॉर्मेट दिखता है, इस तरह से हमारा ये संविधान का बुक है, ये हमारा प्यारा संविधान है। अब देखिए संविधान के समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि राज या देश का क्या अर्थ होता है राजनीतिक विज्ञान के लिए। तो संविधान ऐसे समझें कि संविधान एक क्या है, नियम का, हमारे यहाँ जो भी व्यवस्थाएं चलती है उसके नियम का एक लीगली डॉक्यूमेंट है। लीगली डॉक्यूमेंट मतलब एक दस्तावेज है, कानून का दस्तावेज है, जिसके माध्यम से हमारा संपूर्ण संविधान चलता है। लेकिन संविधान किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए, इसीलिए हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं कि आखिर संविधान किसके लिए। इसलिए हमको समझना पड़ेगा संविधान एक राज्य या देश के संबंध में होता है। जैसे कि हमारा संविधान हम पाकिस्तान पे लागू नहीं कर सकते हैं, हमारा संविधान अफगानिस्तान पे लागू नहीं कर सकते, अमेरिका पे हमारा संविधान लागू नहीं होगा, हमारा संविधान चाइना पे लागू नहीं होगा। इसीलिए हमको ये समझना होगा कि राज्य और किसी राज्य, किसी विशेष राज्य और देश के संदर्भ में संविधान का मतलब होता है। मतलब अगर संविधान होगा तो भारत का अलग संविधान होगा, जैसे भारत का अलग जैसे भारत के लिए अलग संविधान, अमेरिका के लिए अलग संविधान आपका होगा, इस तरह से अलग अलग संविधान होता है। तो देश के आप देखिए, तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि देश का क्या अर्थ होता है, राज्य या देश का क्या अर्थ होता है, और राज्य के या देश के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। तो राज्य और देश का क्या मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान में, एक वेल डिफाइंड, एक पूर्ण रूप से परिभाषित जो बाउंड्री होता है, क्षेत्र होता है, वो तब हम उसको हम राज्य या देश कहते हैं। एक चीज और समझ लें कि आगे हम इसको चर्चा करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान अगर राज्य लिखा हुआ है और देश लिखा हुआ है तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। यानी जैसे भारत देश के लिए कभी कहीं कहीं राज्य शब्द का प्रयोग होता है राजनीतिक विज्ञान में, तो इस तरह से आप इसको समझ लेंगे।
तो राज्य जैसे कि हमारा प्यारा भारत का मान ली इस तरह से संविधान, इस मान ली कोई एक एक ये कोई एक कंट्री है, ठीक है, भारत का तो नहीं दिखता है, अगर भारत ही एक सपोज कंट्री, तो इसका एक क्या है, एक वेल डिफाइंड, एक क्या है, एक बाउंड्री है, क्या बाउंड्री है, एक क्षेत्र है कि बस ये इस क्षेत्र के क्या है, इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ही क्या है हमारा भारत देश। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है, क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड बाउंड्री है। कौन धक्का मारा देखो तो, कभी धक्का, वेल डिफाइंड बाउंड्री होगा तो हम लोग कह देंगे कि ये हमारा भारत देश है, हमारा देश है। तो ये होता है इसका परिभाषा का मतलब, कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसका एक पूर्ण रूप से वेल डिफाइंड एक बाउंड्री है, जिसको हम लोग कह देते हैं कि वो राज्य या देश है। अब क्या है कि राज्य या देश को समझने के लिए राज्य या देश के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व आते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि ये तत्व का क्या मतलब है। तो राज्य एक राजनीति का है, अच्छा राज्य या देश को थोड़ा सा समझते हैं, इससे पहले थोड़ा सी और चीज समझ लें कि राज्य और देश के, राज्य और देश को थोड़ा सा समझने, राज्य और देश को समझने के लिए थोड़ा सा और समझें कि राज्य क्या है, एक राजनीतिक इकाई है, राज्य क्या है, एक राजनीतिक इकाई है। राजनीतिक इकाई का क्या मतलब हुआ कि किसी खास पर्पस के लिए होगा, राजनीतिक इकाई का क्या मतलब हुआ कि एक परिभाषित होगा किसी खास तरह से, उसका कोई राजनेता होगा, खास तरह का संविधान होगा, खास तरह का उसका बाउंड्री होगा, खास तरह उसका क्षेत्र होगा। इसलिए क्या कहते हैं, राज एक राजनीतिक इकाई है, इसको समझने के लिए। राज एक मानसिक उपज है, राज एक मानसिक उपज का क्या मतलब है कि हमारे दिमाग में एक खास, जब भी हम कहते हैं भारत प्यारा भारत देश, तो हमारे दिमाग में एक मानसिक उपज होता है कि नहीं अच्छा कि उसमें क्या है कि अच्छा भारत भारत देश, तो एक मेरे दिमाग में ख्याल आता है ओ खास तरह का एक क्षेत्र। अगर हम अमेरिका कहते हैं तो उसमें मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा ओ अमेरिका। तो ये क्या है, एक मानसिक क्या है, उपज है। देखिए जब हम राज्य कहते हैं अमेरिका, तो मेरे दिमाग दिमाग ओ अरे अमेरिका कोई क्षेत्र होगा, जैसे कहते हैं भारत प्यारा भारत, तो मेरे दिमाग में अच्छा तो ओ भारत के लोग, इसमें सिंपल सिंपल लोग रहते हैं, इस तरह से अमेरिका, जब हम सोचते ओ खाली हाईली डेवलप्ड, तो मेरे दिमाग में एक मानसिक उपज आता है ओ अच्छा अमेरिका मतलब ये, जापान, चीन, चीन मतलब हम सोचते ओ अरे यार पाकिस्तान, सोचते रहते ओ मेरा बगल का पड़ोसी, तो इस तरह से, या चीन, चीन के बारे में जो हमारी धारणा है। तो एक जो भी आप का पॉजिटिव या निगेटिव धारणा, उसके संबंध में हम चर्चा नहीं करें, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मानसिक उपज ओ अच्छा चीन मतलब अच्छा कोई देश, पाकिस्तान मतलब कोई देश, भारत मतलब कोई देश, अफगानिस्तान मतलब कोई देश, ठीक है, अमेरिका मतलब कोई देश, जापान मतलब कोई देश। तो इस तरह से क्या है, एक देश एक क्या है, एक मानसिक उपज भी है, देश क्या है, एक मानसिक उपज भी है। अब क्या है, तो राज क्या है, और राज एक सांस्कृतिक समझ है, राज का क्या अर्थ है, राज एक सांस्कृतिक समझ भी है। राज का सांस्कृतिक समझ का मतलब कि उस देश के लोग के, उस राज के लोगों को खास तरह के एक सांस्कृतिक है, एक कल्चर है, एक खास तरह का खाने का पैटर्न है, उसके रहन सहन का पैटर्न है, उसके बोलने का अलग अलग भाषा है। तो इसमें डिफरेंट में चीजें आती हैं, जैसे बोलने का भाषा ये चीज़ आती है। राज में एक अपनापन का भी भाव है। जब जब जैसे हम कहते हैं भारत देश, जब आप बाहर होंगे तो आप कहेंगे अच्छा भारत के हैं हम, तो लगते हैं कि नहीं अच्छा अपनापन का हुआ। जैसे हम जब बाहर होते हैं तो बोले हम बिहार के हैं, या हम यूपी के हैं, या उत्तर प्रदेश अलग अलग जगहों के हैं, तो मेरे में ख्याल आता है अच्छा हम यूपी वाले हैं अलग, बिहार वाले अलग के हैं, इस तरह से एक जो ख्याल आता है। तो इसमें क्या है, एक अपनापन का भाव है। इसलिए जैसे अगर हम बाहर होंगे अमेरिका में, तो अच्छा ओ अच्छा हम भारत के लोग हैं, तो क्या दिमाग में आता है अच्छा अपनापन का, जब भारतीय का क्या मतलब, एक अपनापन का भाव आता है। तो राज्य और देश में क्या होता है, एक अपनापन का भी भाव होता है, अपनापन। राजनीतिक विज्ञान में देश के लिए राज शब्द का प्रयोग, हाँ ये हम अपने नोट में इसको लिख लेंगे, राजनीतिक विज्ञान में देश के लिए राज शब्द का भी जगह जगह प्रयोग किया जाता है। तो अगर राज अगर लिखा हुआ है राजनीतिक विज्ञान में, तो ये देश के संदर्भ में ही लिखा हुआ, इस बात को आप समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि राज के चार तत्व, महत्वपूर्ण तत्व क्या है, मतलब अगर राज्य को समझना है तो उसको कैसे समझेंगे। तो राज्य को समझने के लिए सबसे पहला बात, उसका एक क्षेत्र होता है, क्या होता है, एक क्षेत्र होता है,
एक खास तरह का क्या होता है उसमें, क्षेत्र होता है, और उसमें उसमें लोग होते हैं, क्षेत्र होते हैं उसके, फिर लोग होते हैं, क्या होंगे उसके खास तरह के क्षेत्र होंगे, फिर उसके उसमें लोग होंगे, उसमें सरकार होगा और उसकी संप्रभुता होगी। संप्रभुता मतलब समझाते हैं क्या अर्थ होता है। तो पहला बात कि राज्य के चार महत्वपूर्ण तत्व में राज्य का क्या होगा, एक खास क्षेत्र होगा, उसमें लोग होंगे, लोग के अलावा फिर उसकी सरकार होगा और उसकी संप्रभुता होगी। चलिए फिर से समझते हैं, लोग क्षेत्र मतलब क्या है। एक तो हम पहले से चर्चा कर दिए, क्षेत्र का मतलब होता है कि एक वेल डिफाइंड, एक पूर्ण रूप से परिभाषित क्षेत्र। क्षेत्र जैसे कि भारत के लिए कह देंगे कि अच्छा इंटरनेशनली मानता है कि ये क्षेत्र है जो भारत का है, तो मान लेंगे भारत का एक विश्व विश्व रूप से प्रमाणित कोई क्षेत्र हो गया, तो ये है क्षेत्र हो गया। अब वहाँ के लोग, वहाँ के लोग होंगे, लोग होंगे तब तो वहाँ का राज्य होगा, बिना लोग के कैसे होंगे राज्य। फिर आपका सरकार हो गया, सरकार होंगे उसमें, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी हैं स्टेट लेवल पे, नीतीश जी हैं, तो इस तरह से एक उसमें एक सरकार भी होगा और डिफरेंट उसके मंत्री होगा, तो उसका कैसे प्रारूप होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे उसके बनावट होगी, क्या कि हमारा सरकार कैसा है, राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है, ये इन सब सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बट सरकार होगा कोई ना कोई, इसमें सरकार होगा। इसके बाद संप्रभुता होगी। संप्रभुता का क्या मतलब होता है कि हमारा हमारे देश के संबंध में कानूनी रूप से या किसी तरह से कुछ करने का अधिकार होता है, उसको संप्रभुता बोलते हैं। कि हमारे क्षेत्र में कोई बाहर के लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे हमारा भारत है, उसमें जो है हम दूसरे आदमी को इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे अमेरिका जो है किस उसमें इसके संदर्भ में इंटरफेयर नहीं करेगा, या चाइना हमारे आंतरिक मामला में इंटरफेयर नहीं करेगा। संप्रभुता का यही मतलब होता है कि जब भी कोई आंतरिक मामला हमारा है उसमें हम जब तक किसी को बोल नहीं सकते तब तक वो हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका संप्रभुता का यही मतलब होता है। आगे हम फिर काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे इन चीज़ों को, बट थोड़ा थोड़ा भी आप समझ लीजिए संप्रभुता का क्या मतलब इन चीज़ों को। अब चलिए नेक्स्ट है कि संविधान आखिर क्या है। संविधान क्या है, देखिए तो संविधान हम इससे पहले ही हम आप चलिए अब हमने बात किया देश, देश में क्या क्या होंगे, लोग होंगे। अब जैसे ही देश होंगे उसमें लोग होंगे तो उसमें साथ साथ रहने के लिए क्या होगा, हमको खास तरह के कानून बनाना होगा। नहीं तो अगर आप कहेंगे रोड के बाएं साइड से चलिए, तो नहीं हम कहेंगे नहीं हम दाएं साइड से चलेंगे, तुमको क्या जाता है बाहर में जाओ तुम। तो इस तीन चीज़ों को व्यवस्था बनाने के लिए क्या होता है, एक खास तरह का नियम बनाना। नियम कुछ भी नहीं, नियम का क्या मतलब होता है कि हम इस तरह नियम इसलिए बनाते हैं ताकि किसी लोगों को दिक्कत नहीं हो। जैसे कि इससे पहले छुआछूत का नियम था, इसमें क्या होता था खास वर्ग के लोगों को बहुत सारे लोग अछूत मानते थे, तो उससे क्या होता था किसी खास वर्ग को हम क्या करते हैं दुखी करते हैं प्रेरित करते हैं, इसलिए संविधान में अन्य चीज़ों को भी जोड़ा गया। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मतलब कानून तो होना ही चाहिए, अगर व्यवस्थित रूप से हमको रहना है समाज में हमको कानून चाहिए। नहीं तो अगर हम आप कुछ और कहेंगे हम कुछ और कहेंगे, तो कानून के छोटे लेवल पर समझने के लिए आप किसी गांव में कुछ समझिए। गांव में क्या होता है कि चाहे छोटा विवाद हो, चाहे सड़क के संबंध में हो, चाहे आपका नहर के संबंध में हो या घर के संबंध में हो, तो क्या होता है एक छोटा सा विवाद होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक हमारे यहाँ सरपंच या मुखिया कोई होता है, फिर उसके कंबाइंड रूप से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या करना है नहीं करना है। हाँ तो हम पढ़ रहे थे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, एक कानूनी रूप से माननीय वह जीवंत दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई देश चलता है। आप परिभाषा में ऐसे ही लिखेंगे संविधान क्या है,
संविधान कानूनी रूप से माननीय वह जीवंत दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई देश चलता है। अब क्या है कि हम अभी क्या बात कर रहे थे कि संविधान को क्यों जरूरी पड़ता है, संविधान को बनाने की क्यों जरूरत है। तो अगर समाज में 10 तरह के लोग, गाले काले गोरे उजले लंबे छोटे बड़े, इस तरह से क्या है कि अगर किसी व्यवस्था को बना के रखना है तो एक खास तरह के नियम बनाना पड़ता है और उस नियम को सारे लोगों को मानना पड़ता है। अगर हम जैसे रोड पे चल रहे हैं तो बाएं से ही चलेंगे, अगर कोई खास काम करना है उसमें हम खास तरह के करेंगे तो उसमें क्या होता है कि सारे लोग समान नियम को मानते हैं, उससे सब सारे किसी को परेशानी नहीं होती है। नहीं तो क्या होगा कि आप कहेंगे नहीं हम दाएं से ही चलेंगे, इसमें हम मेरा क्या जाता है, तो आप क्या होगा, आप रोड पर ठोकर लगेगा, आप मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसलिए नियम बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क होता है कि सारे लोगों को उसमें भलाई हो और सारे लोग अच्छे से रहें, किसी को उसमें परेशानी नहीं हो, चाहे वो बड़े हो छोटे हो किसी कोई भी हो, तो उसको समान नियम को उसका पालन करे ताकि सारे लोग अच्छे से रह। तो ये है, तो संविधान हमारा संविधान यही है। उसमें क्या है, नियम का क्या है, नियम कानून का एक संग्रह है उसमें, इसलिए और एक जीवंत दस्तावेज। इसको जीवंत दस्तावेज का मतलब बाद में आप समझेंगे कि आखिर इसको जीवंत दस्तावेज क्यों बोलते हैं। उसमें भी मरा हुआ नहीं, एक जीवंत दस्तावेज है कि हमारा संविधान कानूनी रूप से माननीय वह जीवंत दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई देश चलता है, यानी हमारा देश चलता है। अगर जनरल टर्म में हम कहेंगे तो संविधान किसी भी संविधान के लिए यही टर्म यूज होता है कि वह एक जीवंत दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से वह देश चलता है। अगर हमारा देश का संविधान होगा तो हमारा देश चलेगा, अमेरिका का संविधान होगा तो अमेरिका देश चलेगा, पाकिस्तान का अपना संविधान होगा, नेपाल का अपना संविधान है। तो इस तरह से संविधान का मतलब होता है। ठीक है, अब संविधान, हमें संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है, अब चलिए। तो ये टॉपिक है एनसीईआरटी से, तो ये चीज़ें छूट गई थी रिकॉर्डेड लेक्चर में, इसलिए हम इसको फिर से पढ़ा देते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो संविधान का, चलिए हम तो संविधान पढ़ लिए, संविधान के संबंध में संविधान क्या है, कानूनी रूप से मान्य वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से हमारा, अब हमारा सवाल है कि संविधान की जरूरत क्यों है। चलिए तो देखिए, संविधान तो पहला काम है संविधान का कि हमारे बीच वो तालमेल बढ़ाता है। क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है। तालमेल कैसे बढ़ाता है, तो देखिए तालमेल ऐसे बढ़ाएगा, जब आप थोड़ा सा आप क्या करेंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे संविधान क्यों और कैसे, तो संविधान का तालमेल ऐसे, अगर किसी समाज में हम रह रहे हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग समुदाय के लोग रह, अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, या किसी आप संस्था में काम करते हैं जिसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, तो उसका एक कॉमन नियम होता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप हिंदू हैं तो आप अलग तरह का नियम थोपना चाहेंगे उसमें, आप मुस्लिम हैं तो आप अलग तरीके से रहेंगे, आप सिख हैं तो आप अलग तरह के बातें करेंगे, कोई गोरा है तो वो कुछ और बातें करेगा, कोई काला है तो कुछ और बात, कोई नीचे जाति का है तो कोई और बात करेगा, कोई ऊपर जाति का है तो कुछ और बातें करें। इसलिए क्या होता है, हमको एक खास तरह का नियम बनाना पड़ता है। तो संविधान का पहला काम यह होता है कि बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज में सदस्यों के एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समन्वय मतलब ऐसा नियम जिसमें सारे लोगों को एक साथ रहे और संविधान पे, ताकि विश्वास भी पैदा हो। अगर जैसे कि इसीलिए हमारा संविधान, अगर आप आगे पढ़ेंगे उसमें संविधान आज़ादी से पहले क्या था, हमारे यहाँ जितने भी SC ST कैटेगरी के थे जिससे उसको अछूत के रूप में लोग देखते थे, मतलब स्पेशली जो है जो अपर कास्ट लोग थे उसको अछूत के रूप, इसलिए संविधान ने उसको एक विशेष अधिकार दिया ताकि उस पर संविधान पर भरोसा हो। ठीक है ना, संविधान पे गांधी जी ने उस पर, गांधी जी का भी काफ़ी इच्छा था कि जो हम जिसको अछूत वर्ग हम लोग बोलते हैं, जो SC और ST कैटेगरी में आता है, तो उन लोगों के लिए विशेष अधिकार, इसलिए उसके लिए सब गांधी जी यूज किया करते थे। दिमाग से उतर गया। अच्छा खैर, तो गांधी जी ने भी उस पर काफ़ी जोर दिया, तो गांधी जी का भी काफ़ी मन था, तो इसीलिए अंबेडकर ने उन लोगों पे काफ़ी ध्यान दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने
फिर विशेष अधिकार दिया कि ताकि उन लोगों के विरुद्ध, इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकार में ही जोड़ा, मौलिक उनके लिए एक विशेष तरह से मौलिक अधिकार भी इस तरह से जोड़ा गया इस इन चीज़ों को लेकर। तो क्या है कि हम समाज में जब रहते हैं तो सारे लोगों को एक खास तरह के नियम में बंद के रहना होगा, ताकि सारे को आपस में लोग समन्वय, तो क्या कहेंगे उसमें, समन्वय दिलाता है संविधान का, क्या का तालमेल बढ़ाता है समन्वय, और एक दूसरे पे भरोसा दिलाता है। तो पहला काम हुआ तालमेल बढ़ाना और समन्वय दिलाना। दूसरा काम हुआ फिर संविधान निर्णय लेने की शक्ति देता है। निर्णय लेने की शक्ति देता है क्या मतलब, क्या हुआ कि संविधान में किसका क्या निर्णय होगा, इन चीजों की भी बारे में व्याख्या की गई। अगर सबको देखिए आप, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री है, ठीक है, हमारे देश भारत, प्यारा भारत के अगर प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो मोदी जी क्या है, मोदी जी का अधिकार है, ठीक है, अधिकार तो कुछ अधिकार है, और वो अधिकार कैसा है, एक कानूनी दायरे में रह के अधिकार है, मतलब आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते, ये नहीं है, आप एक संविधान में खास तरह के नियम है उसके अंतर्गत ही आपको काम करना पड़ेगा। तो संविधान में जैसे कि ये यही बातें हैं कि संविधान में सबसे पहला बात ये भी लिखा होता है, लिखा है हमारे संविधान में कि ये जो हम निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, हम जो ये निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, निर्णय लेने की शक्ति किसको दे रहे हैं, निर्णय लेने की शक्ति इसका भी चयन किया है हमारे संविधान में, इसकी प्रक्रिया दिया हुआ कि, तो इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री का कैसा चुनाव होगा, राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होगा, उसमें कौन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, कैसे मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, सारे चीजों का वर्णन हमारे संविधान में दिया। ऐसे मत समझिए कि आप सिंपली अपने आप कुछ हो रहा है, सारा प्रोसेस चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, इन सारे चीजों को चर्चा हमारे संविधान में किया गया है। अलग अलग उसके लिए अनुच्छेद दिए गए हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अलग अलग अनुच्छेद में हर तरह का, तो उसका कैसे चुनाव होगा, उसका क्या क्या पावर होगी, उसकी क्या क्या शक्तियाँ होगी, सारे चीजों को अलग अलग तरीके से उन्होंने व्याख्या, एक डिटेल व्याख्या, मतलब पूरे पूर्ण रूप से विकसित व्याख्या किया गया, व्याख्या किया गया। तो हमारे संविधान में इसीलिए क्या है कि हमारे संविधान में निर्णय लेने की शक्ति देता है, क्योंकि निर्णय ऑलरेडी, क्योंकि हमारे संविधान ऑलरेडी वेल डिफाइंड क्या है, सबका नियम कानून खास तरह की चीजों को ऑलरेडी बताया गया है कि कैसे कौन होगा, निर्णय कौन लेगा कैसे, जैसे गांव के स्तर पर मुखिया होगा, पंच सरपंच होगा, तो ये सब इन सारे चीजों के बारे में ऑलरेडी हमारे संविधान में चर्चा किया गया। अब संविधान की शक्तियों पर सीमा लगाता है। चलिए अब देखिए, अब ये निर्णय लेने की शक्ति तो हम दे दिए, ठीक है, पीएम को दे दिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को दे दिए, और राज्य लेवल पे सीएम को दे दिए, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दे दिए, लेकिन ये शक्तियां असीमित नहीं है, मतलब इस बात को समझिए, शक्ति की सीमा है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते, यही हम आपको पहले भी चर्चा करें, तो शक्तियों पर सीमा लगाता है, मतलब क्या, हमारे संविधान में सारे चीजों को पूर्ण रूप से परिभाषित है कि किसका क्या पावर होगा, क्या क्या शक्तियां होगी, आप ऐसा नहीं है कि उनकी पावर असीमित है और कुछ भी कर सकते, ये नहीं है, इसलिए संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है। संविधान का संविधान अब देखिए शक्तियों पर सीमा इसलिए क्योंकि उनके उनके शक्तियां को उन्होंने परिभाषित कर दिया, जैसे हमारे भारत का, अब जैसे भारत और राज्य के संबंध में आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भारत का अलग नियम है, भारत के लिए अलग नियम, राज्य के लिए अलग नियम, इस तरह से उन्होंने ऑलरेडी शक्ति का विभाजन कर दिया है कि भारत अगर में हम रह रहे हैं तो भारत का अलग काम होगा और बिहार का अलग काम होगा, मतलब भारत का कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश का अलग अधिकार है, राज्य का अलग अलग अधिकार दिया गया, तो इस तरह से शक्तियों पर सीमा लगाता है हमारा संविधान। संविधान समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करता है। आप देखिए तो अब ये कैसे है, सरकार संविधान समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों, इन चीजों का चर्चा हमारे संविधान में डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो में इन चीजों के बारे में चर्चा किया है। समाज और आकांक्षाओं को, लक्ष्य को पूरा करता है, मतलब संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारा समाज में आकांक्षाएं हैं और लक्ष्य है, मैंने जो हम कुछ चीज करना चाहते हैं और जो हमारा टारगेट है, जो हम भविष्य में कुछ करना चाहते हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, तो इसलिए मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक ड्यूटी भी, आकांक्षाएं जो कुछ चाहते हैं, तो संविधान ने कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है कि हम अपने जैसे पर्यावरण को संरक्षण करना है,
या अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, या हमारे राष्ट्रीय झंडा का इज्जत करना है। तो कुछ क्या है, हमारी कुछ आकांक्षाएं और कुछ लक्ष्य भी है। कुछ लक्ष्य जैसे आगे हमको टारगेट करना है कि भविष्य में जैसे हमारा साइंटिफिक टेम्पर हो, तो इन चीज़ों को उन्होंने राज के नीति निर्देशक तत्व में इन चीज़ों को जोड़ा है। तो आप आगे पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे राज की नीति निर्देशक तत्व तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये लक्ष्य का क्या मतलब है। लक्ष्य और आकांक्षाएं हमारे विजनरी, हमारे जो नेता नेताओं ने मिल के जो संविधान बनाया, तो उसमें उनकी कुछ एक खास तरह के दिमाग में। अभी तो उस टाइम जिस टाइम में देश आज़ाद हुआ तो हमारा क्या लक्ष्य था, चलो ठीक है देश के लिए कानून बन जाए। फिर जो उस टाइम में समय के अकॉर्डिंग वो जो चीज़ें नहीं हो सकती तो उसको पूरा करने के लिए उनके दिमाग में उन्होंने DPSP में चीज़ों को रख दिया कि जैसे कि सबको शिक्षा मिले, सबको अधिकार मिले, इन सब चीज़ों को तो बहुत सारी चीज़, अधिकार का तो चर्चा किया ही गया, जैसे शिक्षाओं का चर्चा किया, जैसे उन्होंने बाद में उन्होंने उसी को उन्होंने मौलिक अधिकार दे दिया कि 1 से लेकर 14 बच्चे को सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो वो शुरू में क्या था कि हमारे राज के नीति निर्देशक तत्व में इन चीज़ों को जोड़ा गया था, बाद में क्या गया उनको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। तो क्या है कि उस टाइम के हमारे नेताओं के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, उसको उन्होंने चीज़ों को ऐड करने के लिए, उसको उन्होंने अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको ऐड किया किसमें, हमारे आकांक्षाओं और लक्ष्य को ऐड किया है संविधान के नीति निर्देशक तत्व को। तो ये हमारा संविधान का ये भी काम है, आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूरा, क्योंकि ऑलरेडी उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, तो वो टाइम टाइम पे उन्हीं चीज़ों को देख के हमारे नियमकर्ता जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो नियम बनाते हैं, उनका यही काम है कि इन चीज़ों को देख के उसके बारे में सोच के आगे फर्दर आगे जो है समाज के लिए नियम बनाए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ हमारी कॉलोनी में जैसी है कि आपके गांव शहर या कॉलोनी में एक ऐसा सभी समूह है, या समूह में कुछ लोग हमारे गांव के लोग जैसे हैं। अब ये जैसे शहर में कॉलोनी होता है तो ये कह रही है कि हमारे कॉलोनी में एक जैसे लोग रहते हैं, शहर में कॉलोनी जैसा, आइए गांव का चर्चा कर रही है। अच्छा, हमारे गांव में जैसे अलग अलग तरह से लोग रहते हैं, तो रहते हैं तो हर जाति के लोग रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, इसलिए क्योंकि गांव के कुछ एक खास नियम है, और कुछ तरह किसी तरह का कुछ समस्या हो तो आप मुखिया से मिलते हैं, सरपंच से मिलते हैं, तो आपके सॉल्यूशन को वो हल करते हैं। फिर उसके लिए फिर हमारा कोर्ट है नियम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो अगर कोई लोग नहीं मानता है फिर उसके लिए कोर्ट सजा कोर्ट कोर्ट का सजा का प्रावधान है। इसलिए खास तरह के नियम है ताकि सारे लोग अच्छे से रह सके। ये आपस में यही लोग आपस में यही डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे कॉलोनी हमारे गांव और शहर कॉलोनी में एक ऐसी समूह रहती है जिसमें सारे लोग मिल के रहते हैं। चलिए अब क्या है, यूरोपीय में देशों को यूरोपीय बनाने की कोशिश, तो अच्छा ये सब चीज़ों पे चर्चा हो गई। अब क्या है, संविधान निर्माताओं में अलग अलग आकांक्षाओं का, अब देखिए इसमें पावर और शक्तियों की सीमा लगाने के संबंध में आगे समाज और आकांक्षाओं को लक्ष्य, अब देखिए इसमें समाज और आकांक्षाओं के लक्ष्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है कि देखिए अब समाज में कितने लोग हैं, कितनी कितनी आकांक्षाएं हैं। अब इसमें देखिए इसमें नेहरू जी का ये दिखाया गया है। अब अलग अलग तरह के लोग, आप देखिए वंदे मातरम, जय जन गण मन, अब इस कार्टून का सिंपली मतलब है कि अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग चीजों को कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब वंदे मातरम यानी ये वंदे मातरम को वो जोड़ रहे हैं, वो क्या है जन गण मन को जोड़ रहे हैं। तो ये लिखा भी है, देखो संविधान निर्माताओं को आप लोगों को अलग अलग आकांक्षाओं को जूझना पड़ा, यहाँ पर नेहरू जी को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं को संतुलित करते दिखाया गया। क्या आप पहचान सकते हैं कि विभिन्न समूह क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है संतुलित करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ। तो यही एक इस कार्टून के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी ने उस टाइम में कितने, कुछ लोग बोले ये ऐसे कानून होना चाहिए, ऐसे कानून होना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो फिर भी गांधी जी ने समन्वय करके एक नियम जो सारे लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि आज उच्च वर्ग के लोग हैं तो उसके लिए कुछ और नियम, ऐसा नहीं, मतलब जो ऐसा नियम का ऐसा समूह जो सब लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से काम करता हो, इन चीज़ों को गांधी जी ने उसमें, सर नेहरू जी ने उन, या और भी लोग, नेहरू जी का स्पेशली नाम नहीं ले सकते, और भी लोग जो सारे लोग जो मिल के उन्होंने संविधान बनाया, उन लोगों ने मिल के एक समान कानून जो सारे लोगों पे होंगे उन चीज़ों को उन्होंने बनाया। चलिए तो ये है हो गया आपका, तो
मिनट और देखते हैं। ठीक है, तो आपके आज के लेक्चर में इतना चीज़ें अवेलेबल थी, तो आज इतना हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम में हम कल जो है आगे हम रिवीजन करेंगे, तो कल हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर का जो आगे जो जितना हम पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करके ख़त्म कर लें, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि मिनट। तो आज के लेक्चर सीरीज में इतना था कि जिसमें राज्य के बारे में, संविधान के बारे में हमने थोड़ा जाना। तो और नेक्स्ट कल का लेक्चर होगा जिसमें सैटरडे में हम कोशिश करेंगे 1 से 1.5 घंटे में आपका सारा ख़त्म हो जाए, ताकि आप अगर आपको नहीं, फिर इसके बाद आप जाके लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो रिकॉर्डेड अवेलेबल लेक्चर है उसको देखेंगे, आपका वापस सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा। उसमें 2 चैप्टर को हमने लगभग ख़त्म कर दिया है, तो दो चैप्टर को आप जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लेंगे, और मंडे से नए सिरे से आपका नए तरीके से क्लासेस चलेंगे। तो ये रहा आपका, फिर से शॉर्ट में हम रिकैप करना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो आप इसमें शॉर्ट में रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे संविधान, संविधान जैसा कि हमारा टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे। तो आज हमने संविधान सभा की आज हम लोगों ने नहीं चर्चा की, कल हम लोग संविधान सभा पर चर्चा लेंगे कि संविधान शॉर्ट में संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ। संविधान सभा का सिंपली ये मतलब था कि बहुत सारे लोगों ने मिल के लोगों को चुना, और वही चुने हुए लोगों ने हम लोगों के लिए संविधान बनाया। उसमें कुछ लोग कैसे थे, देसी रियासतें के थे या कहाँ कहाँ से लोग आए थे, उन लोगों ने बैठ के मिल के और काफ़ी दिनों तक, लगभग 2 सालों तक उन्होंने बैठ के एक एक नियम का उन्होंने चर्चा, कल उस पर चर्चा करेंगे नियम कानूनों पे एक एक चीज़ों को मिलके, फिर उन लोगों ने सारे लोगों ने मिल के फिर हमारा प्यारा संविधान बनाया। अब देखिए, तो हमने शॉर्ट में जैसे पढ़ा संविधान आखिर है क्या, संविधान क्यों है, संविधान का क्या मतलब है, संविधान की क्यों ज़रूरत है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमने समझा। आप बाकी आप आखिर बुक पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, जो प्रॉब्लम नहीं हो आप पूछेंगे। शॉर्ट में देखिए संविधान का क्या मतलब हो, संविधान एक कानून का किताब क्या है, एक जीवन अध्ययन जीवन दस्तावेज के बारे में हम कल हो सकता है या आगे के लेक्चर में चाहे। जीवन दस्तावेज मतलब क्या, किताब तो है ही, मतलब किताब में हम टाइम टाइम पर इसमें क्या है, हमारे संविधान में सुधार की भी प्रावधान है, ठीक है ना, अमेंडमेंट तो बोलते हैं, सुधार की भी प्रावधान, इसलिए उसको जीवन दस्तावेज। जो चीज़ें गलत है 4 साल पहले उसको आप का क्या करिए, काट के नया कर दीजिए। इसलिए हमारा संविधान में एक जीवन दस्तावेज, पुराने चीज़ों को काट दीजिए, नया चीज़ों को जोड़ दीजिए, कुछ चीज़ों को हटा दीजिए, इस तरह से इसमें प्रावधान को ऐड किए गए हैं। तो संविधान एक जीवन दस्तावेज है, और किन लोगों के लिए, एक खास तरह के देश के लिए। अगर हमारा संविधान होगा तो हमारा संविधान होगा, पाकिस्तान का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, जापान का अलग होगा, चाइना का अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा, अफगानिस्तान का अलग होगा, यानी अलग अलग देशों के लिए अलग अलग संविधान होता है, ठीक है। हमारा प्यारा भारत के लिए अलग संविधान होगा, हमारा प्यारा है भी अलग संविधान। तो संविधान का ये मतलब होता है कि वो जीवन दस्तावेज है और खासी खास तरह से देश के लिए होता है। तो यही मतलब है मोटा मोटा संविधान का। चलिए, तो अब क्या है आपका काम क्या है, अब चलते हैं हम होमवर्क पे। तो आपका होमवर्क ये रहा कि आप क्या करेंगे, संविधान क्यों और कैसे को पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहला चैप्टर है, आप इसको पढ़ लेंगे, आप उसमें उल्टा दिख रहा होगा, बट पहला चैप्टर है 11th का NCERT, पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान आप पढ़ेंगे, संविधान क्यों और कैसे हैं। अब आप उसको पढ़ना चालू कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मतलब, ठीक है। नहीं होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं इसमें। हाँ, आप क्या है, लूसेंट से आप होमवर्क कैसे लेंगे, ठीक है। लूसेंट से होमवर्क लेके भारतीय संविधान सभा, इसमें भारतीय संविधान सभा, बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा और लेंगे। अगर देखिए भारत संविधान में भारतीय संविधान लिखा हुआ है, ठीक है, लुसेंट में भारतीय संविधान चौथा है, ठीक है, चौथा टॉपिक है भारतीय संविधान, तो उसमें से आप पढ़ेंगे, जो चौथा सब्जेक्ट है भारतीय, उसमें से शुरू का आप नहीं पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है उसको नहीं पढ़ना है आपको, उसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी समझना है आपको। तो भारतीय संविधान सभा को आपको उससे पढ़ना है, और कहाँ तक पढ़ना है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे, और संविधान सभा द्वारा दिए गए अन्य कार्य, और हाँ इतना तक भारतीय संविधान में सभा द्वारा निर्णय किए गए कुछ कार्य। आगे इसमें हम कुछ चीज़ों को धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे, धीरे धीरे आप कोई
कोई बात नहीं, आप उसमें जो चीज़ें समझ में आ जाएगी ठीक है उतना आप पढ़ेंगे लुसेंट से, बाकी धीरे 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 क्या है कुछ चीज़ों को लुसेंट ने ऐसे भी ऐड कर दिया है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं, जो चीज़ें आपको समझ में आ गई, समझ में जो चीज़ है डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, याद कर लेंगे तो धीरे 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 क्या होगा आपका सारा टॉपिक खत्म होगा। बस आप कंटिन्यू क्या करेंगे, आप जो हम आपको होमवर्क देते हैं उसको पढ़ते जाएंगे और उसको जुड़े रहेंगे, जो पढ़ते हैं पढ़ते रहेंगे, आपको सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो संविधान है, इसके बाद भारत का प्रस्तावना है, इसमें अलग से भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास भी दिया हुआ। मतलब क्या है ना कि भारत का हमारा संविधान का जो विकास हुआ तो एक दिन में तो हो नहीं गया, उसके पीछे एक इतिहास है कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया या अलग अलग जो अंग्रेज जो हमारे यहाँ देश में हमारे रहने जो आया, तो भारत के लोगों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, तो वहीं से संविधान का विकास हुआ कि आपस में लोग रहेंगे, उसके लिए कुछ खास तरह के नियम को उन्होंने धीरे 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 ऐड कर दिया, तो उसी को मॉडिफाई करके, उसी को विकसित रूप करके, थोड़े से चीज़ों को बदलाव करके हमारा संविधान, फिर हमारे आज़ादी के बाद हमारा संविधान नए तरीके से बनाया गया। तो उसके बारे में इतिहास में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे या फिर धीरे धीरे हम चर्चा कर देंगे कि कैसे कैसे हुआ संविधान का विकास, वो इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग आया, चार्टर अधिनियम आया, इस तरह से बहुत सारे नियम, फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम आया, फिर माउंटेन मिडले, इस तरह से बहुत सारे भारत 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आया, इस तरह से होते 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 जाके फिर 1947 में आज़ाद होने के बाद 1950 में हमारा संविधान पूरा बन के तैयार होकर फिर लागू हो गया। इस तरह से इसका एक पूरा लंबा इतिहास है, 1773 से लेके 1773 यानी 1773 से लेकर 1950 तक का एक पूरा इतिहास है, उसको धीरे धीरे आप समझेंगे तो पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आपका होमवर्क हुआ भारतीय संविधान सभा, आपको पढ़ना है किससे, लुसेंट से। तो लुसेंट में आपको कहाँ मिलेंगे, भारतीय संविधान में मिलेंगे, आप पॉलिटिकल साइंस के नाम से इसमें नहीं है तो भारतीय संविधान के नाम से आपको उसमें मिल जाएंगे, इसमें आपको पढ़ना है। और अभी तो नहीं, इस अगले सप्ताह फिर हम इन सारे चीज़ों को आपका टेस्ट लेंगे, भारतीय संविधान के उद्देश्य और उद्देशिका और प्रस्तावना, इन सब चीज़ों को हम बाद में देंगे नए सिरे से, जो हम मंडे से क्लास लेंगे तो उसका होमवर्क। बस आपका होमवर्क लुसेंट का रहा कि भारतीय संविधान सभा और यहाँ से एनसीईआरटी में जो है आप चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बंद करते हैं, कल जो है हम जितना काम का छोटा हुआ रिविजन ख़त्म कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा मुझे क्लास लेना पड़ा तो हम संडे को ले लेंगे, बट कोशिश करेंगे कल तक हमारा वो ख़त्म हो जाए कल, ताकि ख़त्म हो जाने के बाद हम जो है नेक्स्ट तरीके से मंडे से आपका क्लास, ठीक है, थैंक यू, फिर हम मिलते हैं कल आपको 2 बजे।